मलेरिया ज्वर। नुस्खे: तुलसी के चार पत्ते, करंज की गिरी 3 ग्राम और काली मिर्च, तीनों को पीसकर सुबह शाम दूध में सेवन करें। नींबू में जरा सा सेंधा नमक और जरा सा काली मिर्च का चूर्ण लगाकर गर्म करके धीरे धीरे चूसें। इससे बुखार की गर्मी शांत हो जाती है। तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच, 4 काली मिर्च का चूर्ण तथा थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करें। तुलसी, नीम की कोपलें तथा नींबू का रस, तीनों को मिलाकर रोगी को देने से मलेरिया बुखार में काफी लाभ होता है। लाल मिर्च पानी में घोलकर गाढ़ी चटनी की तरह बना लें। फिर इस मिर्च की पोटली बनाकर स्त्री की बाई तथा पुरुष की दाई बाह भुजा में बांध दें। इससे मलेरिया का बुखार उतर जाएगा। 1 ग्राम फूली हुई फिटकरी, 2 ग्राम मिश्री और 10 ग्राम चीनी, तीनों को मिलाकर दूध या पानी के साथ सेवन करें। चिरायता तथा संतरे का रस, दोनों 10-10 ग्राम लेकर रोगी को सुबह शाम पिलाएं। 10 ग्राम हरण का चूर्ण 1 कप पानी में मिलाकर काढ़ा बनाएं। जब पानी आधा कप रह जाए तो उसमें जरा सी शक्कर डालकर 4 खुराक करें। इसे दिन भर में 4 बार पिलाएं। मलेरिया सिर पर पैर रखकर भाग जाएगा। जामुन के पेड़ की छाल 5 ग्राम लेकर पीस डालें, फिर उसमें जरा सा गुड़ मिलाकर सेवन करें। 1 चम्मच प्याज के रस में 2-3 काली मिर्चों का चूर्ण मिलाकर नित्य सेवन करें। नीम की थोड़ी सी कोपलों में 4-5 काली मिर्च और जरा सा नमक मिलाकर चटनी बना लें। इसका सेवन सुबह शाम करें। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च सुबह शाम कुचलकर खाने से मलेरिया बुखार नहीं चढ़ता। मलेरिया बुखार चढ़ने के समय से पहले लहसुन का रस हाथ पैर के नाखूनों पर लगा लें। अमरूद को भूमल में भूनकर खाने से मलेरिया का रोग चला जाता है। नारंगी के छिलकों को पानी में उबालकर केवल पानी पी जाएं।